वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिंदजान में आपका स्वागत है। अल्लाह के रहमो करम से और आपकी दुआ के साथ आपकी खिदमत में इमरान खान। दोस्तों, हम जो लेके चल रहे हैं कि कबूतर की नस्ल की पहचान, ठीक है, तो हमने अभी पीछे एक वीडियो डाली थी कि भाई मैं ये कराशू कबूतर शो कर रहा हूँ और आप मुझे इसके नाम बताओ कि ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड इसके क्या क्या नाम है। ठीक है, हम देखना चाह रहे थे कि इसके कितने तरह के नाम निकल के आते हैं और लोग बाग इसे क्या क्या कहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो ऐसी वीडियो होने जा रही है यूट्यूब पर कि जो भी भाई इन वीडियो को देखेगा कभी वो उसके मन में कोई वहम नहीं रहेगा कि हाँ यार इस कबूतर को ये कहते हैं या मैं धोखे में था, इसका नाम ये था। क्योंकि मेरे पास तकरीबन 900 प्लस कमेंट आ चुके हैं, अब तक 900 प्लस कमेंट आ चुके हैं और इस कबूतर के नाम, ये जो कराशू कबूतर है इसके नाम भाइयों ने ऐसे ऐसे नाम ले दिए जो इसी नस्ल के दूसरे कबूतर भी है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम जो कबूतर की वीडियो जो फोटो दिखाएंगे हम, ठीक है, ये कहाँ की नस्ल है, ठीक है, क्या निशानी है इसकी, क्या पहचान है इसकी, इसके रंग रूप क्या होते हैं, ठीक है, इसको नाम ये पड़ा हुआ है। तो आपने यही नाम इसको पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में जो नाम है ना वही नाम लिया जाना चाहिए, जैसे कि और नस्लों के नाम है, ठीक है, वही नाम पूरे ऑल वर्ल्ड में चलता है कबूतर का नाम। ठीक, तो हम चाहते हैं कि जो नस्ल का नाम जैसा है वैसा चले तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरे पास 900 प्लस कमेंट में 50% कमेंट ऐसे आ चुके हैं जो इस कबूतर का नाम है ही नहीं, वो दूसरी नस्ल के हैं। जैसे कि मान लो ये कबूतर है, अब इसको आप क्या कहोगे हैं दोस्तों, इस कबूतर को आप क्या कहोगे? इसी कबूतर के नाम मेरे पास कम से कम 100 प्लस इस कबूतर के नाम आ चुके हैं जो आप कराशू कबूतर को कह रहे थे, ये कबूतर तो नहीं है वो। ठीक है, चलो इस फोटो को भी हम हटा देते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इस फोटो को देखिए आप, ये कबूतर, ठीक है, इसको आप क्या कहोगे? नाम तो आप दे चुके हैं कमेंट में, कमेंट में जो आप नाम दे रहे हो ना, इतने सारे नाम आ रहे हैं, वो इस कबूतर के भी नाम है, ये नस्ल अलग है। ठीक है, हमारा वीडियो डालने का मकसद ये नहीं कि YouTube पे डाल दी खूब सारी फोटो, ये फलाना कबूतर, ये वाला कबूतर, ये कबूतर, ये कबूतर, नहीं। हम कोशिश करेंगे दोस्तों क्या वीडियो हफ्ते से 10 दिन लेट हो जाए, 15 दिन लेट हो जाए, ठीक है, हम सारे नाम कलेक्ट करेंगे कि भाई इसका नाम क्या क्या ले रहे हैं, कोई गलत फहमी में तो नहीं है। क्योंकि बहुत से भाई जो अभी अनजान है ना, जो नए शौकीन बाज हैं, वो खाली मिलता जुलता चेहरा देख के ना, हाँ ये तो ये नस्ल है, इसको ये कहते हैं, नहीं, पहचान करनी सीखो। जैसे कि हिंट दे देता हूँ मैं दोस्तों, जैसे कि इस टाइम जो है टैडी कबूतर बहुत मशहूर हो रहे हैं ना, बॉर्डर वाले टैडी कबूतर, ठीक, पार के टैडी कबूतर इतने मशहूर हो रहे हैं, क्या उसी रंग रूप के हमारे हिंदुस्तान में कबूतर नहीं है? है ना, कल्सरे कबूतर है ना, उसी सेम उसी बदन के, आंखों में 19-21 फर्क है, ठीक है, जो कि ये भटिया लोग इस टाइम बॉर्डर वाले दबा के बेच रहे हैं, पाकिस्तानी कबूतर कह के, टैडी कबूतर कह के बेच रहे हैं, अपने अमृतसरी कबूतरों को बेचे जा रहे हैं दबा के, ठीक है, तो ये क्या धोखा हो रहा है, पहचान नहीं है आपको। जैसे कि मैं अभी इसी कबूतर की फोटो दिखा रहा हूँ, मैं फिर दोबारा ये शो कर रहा हूँ, कराची कबूतर, ठीक है, ये कराची कबूतर है, ठीक। अब जो मैं और फोटो शो करने वाला हूँ, ये मिलते जुलते चेहरे हैं मगर ये नस्लें अलग हैं, इनका नाम अलग है, मगर आपने नाम जो दोस्तों मेरे कमेंट में दे दी ना सारे नाम, वो अलग अलग नस्लों के हैं, इसका नाम नहीं है, इसकी पहचान अलग है, इसका नाम अलग है, ठीक है। तो ऐसे कोई टैडी कबूतर होने से या कल्सरा कबूतर होने से या इतना गहरा कल्सरा और काली पूंछ का और यहाँ मोड़े में दाग लेने से कोई टैडी नहीं हो जाया करता, ठीक है। हर एक किसी के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी, पर की पहचान, कोई ना कोई निशानी उसमें नजर आती कि हाँ ये इस नस्ल का कबूतर है। तो हम जो अब वीडियो डालेंगे ना दोस्तों, अभी तो देखो कराशू कबूतर की पहचान, ठीक है, मैं भी इससे नेक्स्ट पार्ट डालूंगा, मगर ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं मैं क्योंकि मेरे पास कमेंट इतने सारे हैं कि हम खुद हैरत में रह गए, यार हमारे भाई कितने धोखे में है, इसी कबूतर के कितने नाम ले रहे हैं, ठीक है। अब ये फोटो शो कर रहा हूं, इसको क्या कहोगे आप बताइए दोस्तों, क्या कहोगे आप? ये तो कमेंट में नाम आ चुका है, पढ़ो, 900 प्लस कमेंट है ना, आप ही ने किए, आप जैसे भाइयों ने किए, शायद आपका भी होगा, कमेंट पढ़ो, आपने भी इस कबूतर का नाम लिया ना, इसको कुछ और कहते हैं,
मैं अभी नाम नहीं शुरू करूंगा, इनकी अलग से वीडियो आएगी दोस्तों, हर कबूतर की अलग से वीडियो आएगी, बशर्ते जो क्रॉस होके जो नस्लें बन चुकी हैं उनकी फोटो या वीडियो तो हम फोटो तो हम शो नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो क्रॉस पर में बना हुआ है, उसका क्या नाम लेना, ठीक है। जो ओरिजिनल रंग ओरिजिनल कलर जो पहले से चलते चले आ रहे थे हम वो शो करेंगे, ठीक है, फुल पहचान के साथ पूरी जानकारी के साथ, ठीक है। बशर्ते आप नाम पेश करते रहो, हम देखेंगे कि ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में इस कबूतर को क्या कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे भाइयों ने ऐसे ऐसे नाम ले दिए, मैं तो देख के हैरान हूँ, क्योंकि जो इससे मिलती जुलती और नस्लें हैं वो सभी नस्लों के नाम भाइयों ने यहाँ कमेंट में इसको दे दिए, ठीक है। चलो ये तो फोटो दिखाई दिखाई मैंने, अब मैं एक फोटो और दिखा दूँ, अब इस फोटो को देखो, कहो क्या कहोगे, है ना, बोलो भाई क्या कहोगे इसको, उत्तर को क्या कहोगे, आपने कमेंट दे दिया, जवाब दे चुके आप, क्या कहोगे इसको, इसकी पहचान अलग है दोस्तों। देखो अगर मैं वीडियो डाल रहा हूं ना, तो हर कबूतर की पहचान उसके रंग रूप से, उसके वजूद से, ठीक है। देखो बाजा बाजा नस्लों की इस वीडियो में बता देता हूं दोस्तों, बाजा बाजा नस्लों की पहचान ना आंख से होती है, कि इस आंख का कबूतर है तो ये नस्ल है, इस आंख का नस्ल है तो ये है, ठीक है। बाजा बाजा कबूतर की पहचान उसके बॉडी स्ट्रक्चर से होती है, कि हाँ इस बदन का कबूतर ये है, ठीक। बहुत से कबूतर की पर से पहचान होती है, इस पर का कबूतर जो है वो ये है, ठीक है। तो हम आपको दोस्तों टोटली हर कबूतर की पहचान बारीकी से बता के चलेंगे, खुदा ना खास्ता अगर कहीं से मिस्टेक हो जाए तो माफ करना, मगर हम जहां तक तो कोशिश करेंगे दोस्तों आपको पूरी जानकारी देंगे हम, ठीक है, पूरी निचोड़ के हर चीज निकाल करके, ताकि हमारा भाई कोई धोखे में ना रहे कि हर कबूतर की पहचान क्या है, ये देसी है, पंजाबी है, कहां की नस्ल है दोस्तों, जहां तक जानकारी होगी हम आपको देंगे, मगर दोस्तों हकीकत में हम वो नाम बताएंगे जो हकीकत में उसका असली नाम है, ठीक है। क्या नाम था इसका, चलो ये फोटो फिर शो कर रहा हूं मैं, ये क्रशु कबूतर है ना, आपने क्या क्या नाम दे दिए, मैं तो पढ़ के हैरान रह गया यार, हमारे भाई इतने सब इतने भाई हमारे धोखे में है ना, समझ से बाहर है, कहां कहां शो कर रहे हो आप दोस्तों। अब आगे से आप हमारा साथ दो यार, दिल से हम आप हमारा साथ दोगे तो आपका भाई पूरी जानकारी पूरी डिटेल के साथ हर कबूतर की पहचान बताएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है यार, देखो हम चाहते हैं कि जो उसका असली नाम है ना कबूतर का, जैसे कि मान लो मलवई कबूतर है हमारा, पंजाब का मलवई कबूतर है, तो उसको ऑल वर्ल्ड में मलवई के नाम से पहचाना जाता है, कि पंजाबी मलवई छतरी वाला, ठीक है। ऐसे ही हमारे संबल वाले कलदुमे, वो संबल वाले कलदुमे के नाम से ही हर जगह पहचाने जाते हैं, उनकी पहचान ढाल चाल अलग है और एक देसी कलदुमे अलग हो गए। रामपुरी कबूतर, ऑल वर्ल्ड में रामपुरी कबूतर की अलग ही पहचान है, चंदा खानी आंख की आंख से ही, देखो रामपुरी नाम पड़ गया वो रामपुर के, असल नाम तो उसका चंदा खानी है ना, चंदा खानी कबूतर, क्यों पड़ा चंदा खानी, उसकी आंख के अंदर जो रिंग है ना उसकी अलग ही पहचान है, चंदा खानी रिंग उसकी आंख में है, उसकी पहचान है वो, ठीक है। तो रामपुर की नस्ल है तो रामपुर के नाम चला गया रामपुरी, ऐसी सहारनपुरी क्यों, उसकी आंख उसका स्ट्रक्चर बदन का, ठीक है। तो ये हर नस्ल हर चीज का नाम चला, तो हम चाहते हैं दोस्तों कि हम जो भी नस्ल का आपको फोटो दिखाए पूरी, चलो जहां तक आपको जानकारी आप नाम बताओ कोई बात नहीं, हमारे बहुत से भाई धोखे में रहते, उन्हें नहीं पता था, फिर भी आप नाम बताओ, करो कमेंट बताओ कि क्या नाम है, हम उसमें से सब छाट के, अब देखो मेरे पास 900 प्लस कमेंट आ गया, अगर मैं 900 प्लस कमेंट सारे शो करने लगा शायद वीडियो एक डेढ़ घंटे की बन जाए, ठीक है, बहुत लंबी हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट शो करने की, भाइयों के अलग अलग नाम शो करने के, जिनका रह जाए तो भाई बुरा ना मानना, क्योंकि हम चाहते हैं कि यार कबूतर की बिल्कुल सही पहचान हो, ठीक है, और उसको उसी नाम से ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में उसकी पहचान बने। तो दोस्तों हम जो ये क्रशु कबूतर, ये रहा ये क्रशु कबूतर, इसकी जो हम फाइनली वीडियो डालेंगे इसकी पहचान के साथ डालेंगे ना, तो हम चाहते हैं कि इसकी पहचान ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड इसको क्रशु नाम से ही जाना जाए, दूसरा नाम कोई ना ले, क्योंकि फिर बंदा गलती में रह जाता है, पता क्यों कैसे, हम इस फोटो को भी ले लो, है ये फोटो, क्या कहोगे भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं,
क्योंकि अगर क्रासू कबूतर की पहचान बनेगी ना उसके रंग रूप से, ठीक है, तो आपने जो नाम लिया उसमें तो ये कबूतर भी आ रहा है। मैं अभी इनके नाम नहीं शो करूंगा जो 4-5 फोटो दिखा दी, क्या कहोगे इस कबूतर को? ये नाम आ चुका है लिस्ट में, 900 प्लस कमेंट में ये नाम आ चुका है, क्या कहोगे कबूतर को, क्या नाम बताओ? दोस्तों जो भी ये वीडियो मेरे भाई देख रहे हैं, अब तक मैंने जो इस वीडियो में जो कबूतरों की फोटो दिखाई है मैंने, ठीक है, इनके भी कमेंट करके बताओ कौन सी नस्ल है ये, क्या कहोगे? बहुत से भाइयों के कमेंट तो एक कबूतर के और आए हैं, ये फोटो शो कर रहा हूं, इसको भी देखें भाई, आया इसका नाम आया लिस्ट में, क्रासू कबूतर को इसका नाम दिया जा रहा है, इसको क्या कहोगे फिर? जब आप क्रासू कबूतर को नाम दे रहे हो जबकि वो नाम इस कबूतर का है, इसको क्या कहेंगे? अल्फाज चेंज है ना, पांचों उंगली एक बराबर नहीं ना, हर हर उंगली का अलग अलग नाम है भैया, अलग अलग काम है, अलग अलग वर्क है, अलग अलग पहचान है हर चीज की। तो इस कबूतर की भी इसकी अपनी खुद की अलग पहचान है, इसका वजूद है, अब से नहीं सदियों से इनका वजूद चला रहा है, ये पुरानी नस्ल है, अब की नस्ल नहीं है ये, ठीक है। अगर आप इसी का नाम क्रासू कबूतर को दे रहे हो तो क्रासू को क्या कहोगे? आपने तो क्रासू के 900 प्लस नाम गिना दिए, शायद अब तक 1000 हो जाए, वीडियो डालते जब तक वीडियो डाले शायद 1000 हो जाए, इसको क्या कहोगे? एक फोटो और शो कर दो, क्योंकि कमेंट दोस्तों यकीन मानना मेरे पास जितने कमेंट आए मेरा दिल करता है सबकी फोटो शो कर दूं, सबकी फोटो नाम के साथ, फिर मजा नहीं आएगा क्योंकि मैं इन सबकी वीडियो ना अलग से शो करूंगा मैं, ठीक है। तो एक फोटो और शो कर दूं इसको, और देखो इसका भी नाम आया हुआ है, इसको क्या कहोगे? दोस्तों जो जानकारी आपको दी जा रही है ध्यान से, और जो सिखाया जाता है अगर उसको भी ध्यान से लगन से फ्री माइंड बैठ के अगर सुनोगे तो आपको दोस्तों हकीकत में जानकारी मिलेगी, नॉलेज बढ़ेगी आपकी, ठीक है, आपका शौक अच्छा होगा। अगर आप खाली अपने मतलब लायक उतनी उतनी लाइन सुनोगे ना उसमें कि हाँ यहाँ ये बता दिया और सुखी ओ बस पीस लो दवाई हो गई तैयार, और दे दो, अब पीछे सुना ही नहीं कब देनी है, कैसे हालात में देनी है, उसको दाना देना है या नहीं देना है, ठीक है, कितनी देनी है नहीं देनी, खाली पीस के तैयार कर ली, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों, कबूतर जाया हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए दोस्तों आपको टोटली सारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप ऐसे ही हर कबूतर का एक सी शक्ल का नाम हर कबूतर में मत जोड़ना, आपका भाई अब से इंडिया में पहली बार ऐसा काम होने जा रहा है जो नस्ल जिस नस्ल का है उसको उसी नाम से पुकारा जाना चाहिए ऑल इंडिया में। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो दोस्तों प्लीज कमेंट करके बताओ कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत, जो उसका नाम है उसी नाम से उसको ऑल इंडिया नहीं ऑल वर्ल्ड में उसकी वही पहचान होनी चाहिए जो उसकी पहचान है। तो क्या ये क्या कबूतर है? क्रासू। क्रासू कबूतर की क्या पहचान है वो हम वीडियो डालेंगे, मगर इसको ऑल वर्ल्ड में इसको क्रासू ही कहा जाना चाहिए, नहीं तो मैं अभी भाइयों ने जितने 900 प्लस कमेंट किए ना, अगर जितने अलग अलग नाम लिए मैं सबकी फोटो शो करूंगा तो आप कहोगे यार इमरान भाई ये क्या कर रहे हो आप, हकीकत में बहुत ऐसे कमेंट आ गए जो ये नस्ल है ही नहीं और नाम दे दिए। एक फोटो और दे दो, चलो जाने दो या दू, हकीकत में देखना चाहोगे? क्योंकि जितने कमेंट आए हैं जितने कमेंट आए उनके नाम दिए, ये कबूतर वो नहीं है, आपने फटाफट नाम लिख दिया इमरान भाई ये तो ये कबूतर है, इसे तो हम ये कहते हैं हमारे यहाँ, या तो इसे इसको ये कहते हैं, इसे ये इस नाम से जाना जाता है, नहीं तो मिलती जुलती शकल से कोई कबूतर, ये नहीं कि मिल उसकी शकल मिल रही है तो हाँ ये इस नस्ल का हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब तक मैंने आपको जितनी भी फोटो शो की हैं, ठीक है, नाम तो हम क्रासू का लेके चल रहे हैं कि क्रासू कबूतर, मगर आपने जितने भी नाम मेरे कमेंट साइड में किए ना और जो अब तक मैंने आपको फोटो दिखा दी है ये, ठीक है, वो इनके नाम है ना कि क्रासू कबूतर के नाम, और अब भी इतने नाम है, मैं अगर फोटो शो करूं आपको कि इमरान भाई तो यार फोटो पे फोटो शो कर रहे हैं, ठीक है, हकीकत में यार मैं और फोटो शो नहीं करना चाहता दोस्तों, बस मैं यही चाहता हूं कि आप यार सही पहचान सही तरीका, कौन सी नस्ल कैसी है, हाई फ्लायर है लो फ्लायर है, इसकी पहचान कैसे होती, किस पर से इसकी पहचान होती, इसका ढाल क्या, इसका चाल क्या, इसका वजूद क्या, आपको सब पता होना चाहिए या नहीं? अगर होना चाहिए तो कमेंट करो भाई, बताओ कि मैं ये काम करूं सही लगन से करूं,
परफेक्ट वीडियो डालूं, छोटी वीडियो डालूं या भाई लंबी वीडियो डालूं, कमेंट करके बताओ मेरे को। देखते हैं हमारा साथ कौन देगा, सही साथ कौन दे रहा है हमारा। हमें भी तो पता चलना चाहिए कि हम आपके लिए वीडियो सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं, क्योंकि भाइयों के जिस तरह से कमेंट आए हैं इस हिसाब से तो हमें ये पता लग रहा है कि हमारे बहुत से भाई अभी धोखे में हैं। और हमारा जो कबूतर जिंद जान चैनल जो चल रहा है यूट्यूब पर, आंखों पे से पर्दा हटाने वाला काम कर रहा है। घर घर नस्ल बनाना, कबूतर का सही इलाज करना, पूरी जानकारी कब कौन सा काम होना है कौन सा नहीं होना है वो आप तक पहुंचा रहा है, ताकि हमारा कोई भाई धोखे में ना रहे। तो हम इसीलिए चाहते हैं कि ये जो नस्लों के नाम है ना, कबूतर की पहचान है ना, हम नहीं चाहते हमारा भाई कोई अधूरा रह जाए। क्योंकि जो बड़े बड़े खिलाड़ी वो तो 30 मार खा मेरे नीचे कमेंट करते थे, तू क्या ये पागलों वाली बातें बता रहा, ये तो मुझे पहले से ही पता, कुछ नया बता। तो भाई अब इन्हें कौन बताएगा, जो जिन्हें यही नहीं पता इस कबूतर को क्या कहते हैं वो दूसरे नाम गिनाया जा रहा। भाई आप तो बन गए उस्ताद, बड़े माहिर उस्ताद, शायद बहुत बड़े खलीफा हो आप, ठीक है, आपको तो सब कुछ पता है, इन्हें कौन बताएगा। आप तो इन्हें एक गोली पीस के देने के 500 या 5000 रुपये ले लेते हो, एक जोड़ा देने के 10-10 हज़ार रुपये ले लेते हो। इन हमारे सीधे भाइयों का क्या होगा भाई, कोई तो चाहिए इन्हें रास्ता दिखाने वाला, चाहिए भाई दोस्तों, चाहिए ना रास्ता दिखाने वाला, हाँ या ना, चाहिए ना। तो सही का साथ दो, सही का साथ जब दो, मैं ये नहीं कह रहा कि खाली मेरा साथ दो यार, इंडिया में हमारे बहुत से अच्छे अच्छे उस्ताद पढ़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे भाई पढ़े हमारे जो अच्छा नेक काम कर रहे हैं, उनका उनका भी साथ दो, तभी आप अच्छी नस्ल बना पाओगे, पूरे कबूतर की सही पहचान कर पाओगे आप कि ये कराची कबूतर है ये, ना कि वो जो आपने नाम दिए, आधे नाम रॉन्ग गलत सरासर गलत, वो आधे नाम जो आए वो इनके नाम थे जो मैंने कबूतर के फोटो शो किए, और अभी के तो मैंने आधों के शो ही नहीं किए। अगर मैं उनके भी सारे फोटो अगर मैं शो कर दूं तो वीडियो तकरीबन ये दोस्तों 1 घंटे की जाएगी, फिर हमारे भाई वो रोएंगे, पीट रोएंगे भाई, कौन से जो डाटा बचाते हैं ऑयल का, हे इमरान भाई यार इतनी लंबी वीडियो डाल दी यार, छोटी सी डालना करो, उनका डाटा फूकता है, उनकी जान निकल जाती है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते हमारा कोई भाई अधूरी जानकारी ले, पूरी जानकारी मिलेगी, क्या बेशक वीडियो लंबी हो जाए कोई टेंशन नहीं, मगर ये वीडियो भी हमने दोस्तों अगर देखा जाए तकरीबन काफ़ी लंबी हो गई, मगर जानकारी आप तक पहुंचानी थी मैंने डिटेल के साथ, क्योंकि जब तक हिंट ना दिया जाए, तफसील से ना बता दिया जाए, ठीक है, क्योंकि हिंट के बिना कोई जिंदगी नहीं होती, जब तक बंदे को हिंट नहीं मिलता, ठीक है, टारगेट, जब तक मजा नहीं आता, ठीक है ना। तो आपको अगर पूरी जानकारी चाहिए, आपके जितने भी ये नाम आए हैं वो सरासर 50% गलत थे, वो इन कबूतर के नाम थे जो मैंने शो किए या जो अभी शो नहीं किए मैंने, ठीक है, जो नहीं शो किए वो भी कबूतर यहाँ आ जाएंगे, रहेंगे नहीं, मैं सबकी फोटो शो करेंगे यहाँ पे, सबका नाम बताएंगे हम आपको यहाँ एक एक करके, और ये भी जानकारी देंगे इनकी कि ये नस्लें कैसी, कितनी उड़ती है, कहाँ उड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ अपने भाई का साथ दें, क्योंकि ज्ञान 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 बांटने से बढ़ता है, सीखो और सिखाओ, दुनिया में अपना नाम कर जाओ।